मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। तालाब में 6 साल के लड़के राजवीर की डूबने की वजह से उसकी जान चली गई है। दिल दहला देने वाला ये घटना उल्लासनगर 3 के हीराघाट तालाब की है। बताया जा रहा है कि 6 वर्षीय राजवीर अपने घर से लापता हो गया था, जिसकी गुमशुदगी की खबर भी सोशल मीडिया में चल रही थी। मगर 10 बजे रात को ये जानकारी सामने आई कि राजवीर का शव जो है हीराघाट तालाब में स्थानीय लोगों ने देखा है, जिसके बाद शव को बाहर निकाला गया। वहीं राजवीर की डूबने की वजह से मौत होने पर परिवार के लोग इसका जिम्मेदार मनपा प्रशासन को बता रहे हैं और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। आगे इस पूरे मामले की जांच पड़ताल पुलिस कर रही है। आज उल्लासनगर में बहुत ही दर्दनाक और दुखदायक घटना घड़ी है। हीराघाट भैया साहब अम्बेडकर सोसाइटी में रहने वाला एक 6 साल का बच्चा राजवीर बेलेकर, जो आज दोपहर 4 बजे से लापता था, तो सोशल मीडिया पे मैसेज वायरल हो रहा था कि ये बच्चा मिसिंग है, अगर किसी की जानकारी मिलती है तो कृपया संपर्क करें। उसके बाद पुलिस स्टेशन में भी इसका मिसिंग कंप्लेंट दिया गया था। घर वाले उसे ढूंढ रहे थे तो पता चला कि हीराघाट में उल्लासनगर महानगर पालिका द्वारा गणेश विसर्जन घाट जो बनाया गया था, वहाँ पर कुछ दोपहर में बच्चे नहाने के लिए गए थे, ऐसी जानकारी मिली। और जब भी पुलिस और घर वाले उनके पड़ोसी जब ढूंढने गए, पानी में जब उतरे तो पानी में वहाँ पर डूबी हुई उस मासूम बच्चे की लाश मिली। घर वालों का और वहाँ के परिसर के नागरिकों का कहना है कि ये पूरी की पूरी उल्लासनगर महानगर पालिका प्रशासन की ये लापरवाही है, क्योंकि अगर आपने विसर्जन घाट बनाया है, अगर गणपति के विसर्जन हो गए हैं तो उस पानी को रिलीज करना चाहिए था। अगर पानी को रिलीज नहीं किया है तो वहाँ पर जो बंदोबस्त था, वहाँ पर जो सिक्योरिटी थी, वहाँ पर कोई तो सिक्योरिटी होनी चाहिए थी, वहाँ पर कोई सिक्योरिटी नहीं थी और ना ही वो पानी रिलीज किया गया था। तो ये पूरी तरह से उल्लासनगर महानगर पालिका प्रशासन की ये लापरवाही है और घर वालों का कहना है कि इसमें न्याय होना चाहिए। जो भी इसमें दोषी लोग हैं उस पर कार्रवाई करें, उनके खिलाफ कंप्लेंट करें, क्योंकि इस बच्चे के मृत्यु के लिए वही लोग जिम्मेदार है। जब तक उनके पर कार्रवाई नहीं होती, उनके परिजनों का कहना है कि हम कल बॉडी नहीं लेंगे।